नमस्कार, हम हैं ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने और आज की ख़ास ख़ास ख़बरों के साथ हम आपसे फिर से बात करना चाहेंगे। आज की ख़ास ख़बर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आज अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करें जो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होने वाला है 22 तारीख से, उसके बारे में। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो विंटर सेशन होने वाला है, जी उर्दू में से क्या कहते हैं, सरमाई इजलास, सरमाई इजलास। तो ये जो शीतकालीन सत्र है ये बड़ा हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल। अब क्यों सर्दी में गर्मी का एहसास, हाँ क्या होगा वो बाद में बताएंगे जी। लेकिन सरकार के मूड में क्या है, बिल्कुल सरकार क्या करना चाह रही है, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है बहुत माने फेरिस्त बहुत लंबी है। सरकार जो उस पर तैयारी करके आ रही है कि बिल्स को जो है वो पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है, जो वो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग हिसाब के होंगे। कुछ को छुपाया जा रहा है और जैसा कि आप अखबारों में देख रही हैं कि महंगाई, सब्सिडी, काले धन, लोकपाल, है ना, ये अखबार में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और ठीक इसके नीचे से कुछ ऐसे भी बिल्स पास किए जाएंगे जिसका सीधा वास्ता देश के इकोनॉमी से है। बिल्कुल। सरकार जो है अब इस सरकार ने यह मूड बना लिया है कि जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स में जो आर्थिक जो बदलाव की जो बात हो रही है, वो रिफॉर्म्स जो मनमोहन सिंह जी ने 1991 से हिंदुस्तान में मैंने शुरू किया था, उसको एक बड़ा पुश दिया जा रहा है। जिस देश में लोग महंगाई से ऐसे मर रहे हों और जिस तरीके का आप जो पॉलिसी और जिस तरह का एजेंडा आप देश के ऊपर लाद रहे हो, तो पार्लियामेंट तो वैसे भी नहीं चलने देना चाहिए। ये सारे बिल्स अगर पास हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इस देश में जो है विपक्ष बिल्कुल मर चुका है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया कि आप देखिए सब्सिडी और महंगाई, काले धन, लोकपाल, और फिर कम्युनल राइट्स के खिलाफ एक बिल पड़ा हुआ है। तो ये राजनीतिक कानून जिसका राजनीतिक इस्तेमाल सरकार करना चाहती है, लेकिन क्या ये आम आदमी से इसका कुछ मतलब है? क्या आम आदमी को जो रोजमर्रा जो महंगाई जैसे मामला है, अभी आप कह रहे हो कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सरकार कहती है कि भाई हमें नहीं मालूम, हमने नहीं किया, ये पेट्रोल कंपनियों का फैसला है, आपको क्यों नहीं मालूम? ऐसी क्या बात हो गई है कि प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों से जो है वो महंगाई अब खत्म होगी, महंगाई अब खत्म, अगले 6 महीने के बाद, अगले 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, लास्ट में आप हाथ खड़े कर देते हो, बोलते हो कि बस हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और आप करना क्या चाहते हो? मैं उन बिल्स पे आऊंगा जिसके बारे में मीडिया में चर्चा होगी, 9 बजे रात में बहस होगा कि भाई ये लोकपाल अच्छा, वो लोकपाल अच्छा, ये बहस होगी भाई कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है कि सरकार जो है इन सब कानून, इन सब बिल्स के बीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स, एमएनसीज, वैसे बिल लेकर के तैयार खड़ी है। जैसे खुदरा व्यापार में जो हाउस होल्ड की चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, हम लोग जनरली इस देश के अंदर में जो है छोटे छोटे गांव के, शहर के, जो आस पड़ोस के जो दुकानें होती हैं वहाँ से खरीदते हैं। कितने लोगों का रोजगार है उसमें? सरकार कानून लाने जा रही है कि खुदरा व्यापार में भी जो है आप वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है इन्वॉल्व कर रहे हो। क्या होगा? आप नतीजा देख रहे हैं कि होर्डिंग का, जिस तरीके से प्याज का दाम जो बढ़ जाता है, किसी किसी चीजों का दाम जो अचानक शूट अप कर जाता है, क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सारे पैसे के साथ इस बाजार में घुस गए हैं,
उनको जब चीजें सस्ती मिलती हैं वो उठा करके अपने जखीरे कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। सही कहा आपने, जमा कर लिया, दाम बढ़ गए, उसके बाद वो जो है वो अपने अपने मॉल्स के अंदर में जो है 2 रुपए कम में बेचेंगे। मैंने आप ये समझिए पूरा मैकेनिज्म कि मान लीजिए प्याज बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं और इलाके के इलाके के प्याज वो निकल जाती हैं 5 रुपए 7 रुपए के रेट से, मान लीजिए वो खरीदती हैं और उसको आपने जमा कर लिया। फिर देश की सरकार है, उनको पता ही नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। प्याज को आप पाकिस्तान भेज देते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो आप लाइसेंस दे देते हो कि भाई बाहर भेज दो। हिंदुस्तान में प्याज की कमी हुई, दाम जो है 40 रुपए केजी चला गया। अब ये व्यक्ति जिसने 7 रुपए के दर से 5 रुपए के दर से पूरे इलाके का जो है मतलब बड़ी बड़ी मंडियों को जो है वो निकल गया और अपने कोल्ड स्टोरेज में जो है उसे जमा करके रखा हुआ है, वो क्या करेगा? बाजार 40 रुपए है तो अखबारों में एड आता है। आप याद कीजिए दिल्ली के अखबारों में आपको एड आएगा बड़े बड़े मॉल्स के, रिलायंस फ्रेश के, तो कभी इसके कभी उसके, कि सबसे सस्ता प्याज 35 रुपए, बाजार में 40 रुपए, आप 35 रुपए बेच रहे हो। तो ज्यादा पूंजी बड़ी कंपनियां इस तरह के खुदरा व्यापार में अगर आएंगी तो सरकार ऐसे ही कहेगी। तो सरकार को जो है यह सोचना चाहिए कि आप नीति जो बना रहे हो तो आप, आपके पास जो है FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल, यह कानून लाने वाली है। दूसरा, एयरलाइंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पेंशन सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी उसमें बदलाव किया जा रहा है, उसमें भी आप व्हाट यू आर डूइंग, आप जो है इस देश में आप ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई आप अगर गरीब हो तो आपको जिंदा रहने का हक नहीं है, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर मनीष, आपने वो मुद्दे बयान किए जो आम जनता से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर है लोकपाल बिल भी आम जनता से ही ताल्लुक रखता है। क्या उम्मीद लगाते हैं आप जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक आश्वासन दिया था अन्ना हजारे और उनकी टीम को कि हम इस विंटर सेशन में लोकपाल बिल पर बाकायदा बात करेंगे और इसके मुद्दों पर बहस होगी और ये होगा, कितनी उम्मीद लगा सकते हैं आप इसके लिए? मैं इस प्रोग्राम से पहले जो है अभी अरविंद अन्ना की टीम से मैं मिल के आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने इसीलिए सवाल किया आपसे। जो हमारी बातचीत हुई, जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा था कि टीम अन्ना जो है उसको सरकार ने ठग लिया। ठग ऐसे लिया कि जो जो वायदे किए अब उससे मुकर रही है। मैं बार बार मैंने आज वो सरकार जो बिल लेकर के आएगी वो डिबेटिंग पॉइंट्स उसे जीता जा सकता है, लेकिन वो लोकपाल मजबूत लोकपाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री का मामला है तो प्रधानमंत्री बाहर होंगे, जैसा संदेश आ रहा है, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, तो अन्ना ने जैसा कहा है कि फिर से आंदोलन, एक तो जो जो लोगों की मनसा है, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में जो इस तरह से आंदोलित हैं, उनको सरकारी कानून में ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार की स्ट्रेटजी यही है कि ऐसा लोकपाल लेकर के आओ जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और जिससे आप टेलीविजन चैनल्स पे बहस जीत सकते हो या काउंटर कर सकते हो। और सरकार का कैलकुलेशन यही है कि अगर इस तरह का कोई लुंजपुंज लोकपाल बिल भी अगर हम लेकर के आते हैं तो जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन उसका होगा, जो समस्याएं जो कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में होगी उसको जो है कम किया जा सकता है। कितनी उम्मीद रखते हैं वो लोग, मैं ये जानना चाहती थी। उनको कोई उम्मीद नहीं है। और दे आर फिल्ड विद एनर्जी एंड होप कि अगला आंदोलन जो है, जो पिछला आंदोलन से बड़ा आंदोलन जो है इस बार इस देश में जो है वो लॉन्च करेंगे। तो वो जो है रेस्ट कर रहे हैं अभी, तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग री ऑर्गेनाइजिंग, तो इससे बड़ा आंदोलन इस देश में होगा
कि अगर सरकार जो है उन चीज़ों को लेकर के नहीं आती है, जिसका सीधा रिश्ता जो है, अब आप लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप हटा दोगे, जहां आम लोगों का जो जाना काम सब लोअर जिनके जिनसे ही चलता है, देखा जाए अगर आप उनको लोकपाल के दायरे से हटा दोगे तो जनता को कुछ नहीं मिला, तो आंदोलन होगा बिल्कुल। तो ये एक मसला होगा विंटर सेशन में जो कांग्रेस को झेलना होगा। एक दूसरा, चिदंबरम साहब को क्या करेगी कांग्रेस? स्वामी जी के पास सारे जो है दस्तावेज आ गए हैं बिल्कुल, और वो बड़ी बड़ी दहाड़ लगाई है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि मतलब ये नवंबर 28 को जो है वो अपना अपनी बात जो है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम, क्या आपके गृह मंत्री के ऊपर जांच हो तो सरकार कैसे चलेगी? चिदंबरम पर काफी टाइम से देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वही एक बात जब आप प्रोग्राम में आपने कही थी कि ये डिले किया जा रहा है, इनको जानबूझ के डिले किया जा रहा है, जबकि सारे सबूत हैं इनके खिलाफ। तो आपने राजा को उठा के जेल में डाल दिया, कन्नी मोदी को डाल दिया, और सभी लोग तो रिलेटेड है ना, सभी लोग एक जैसे हैं। आपने चिदंबरम को यहाँ तक खींच के ले आए, अब मजीद का आप और उसको कितना खींचेंगे? चिदंबरम साहब के ऊपर विपक्ष जो है हमला करेगी, उनके रिजिग्नेशन का डिमांड करेगी, और रिजिग्नेशन जिस दिन हो जाएगा सीबीआई सडनली जो है जो भी इनफैक्ट सीबीआई जो है होम मिनिस्ट्री के तहत इशारे पे जो है काम करती है, अभी तक करती आई है बिल्कुल, तो सीबीआई जो है अपना रंग जरूर दिखाएगी। सीबीआई के लोग भी त्रस्त हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू गुड इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के लोग भी चाहते हैं कि उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े, उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है उनको मर्यादा और उसको ध्यान रखना पड़ता है, बट दे हैव टू फंक्शन इन ए सिस्टम। तो जो सीबीआई के जो ट्रेट है वो दिखने को जैसा मिलता है कि जब तक जो व्यक्ति मंत्री होता है सीबीआई उसको कुछ नहीं करती, जैसे ही वो मंत्री पद से हटता है किसी भी वजह से, तब उस पे अपना जैसे ही वो आम होता है तो उसको जो है तुरंत सीबीआई जो है बताती है कि भाई कितनी मने सक्षम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो ये एक मसला होगा। दूसरी बात जो मुझे लगता है विपक्ष वगैरह जिसको लेकर के हंगामा होगा, वो एक हंगामा होगा महंगाई को लेकर, और होना भी चाहिए। एक बार महंगाई के लिए जब सड़क पर सारा हिंदुस्तान उतर आएगा, मुझे लग रहा है तभी अब महंगाई का, तो ये हिंदुस्तान को एक तहरीरी सरकार बनना। लेकिन जो सरकार करने जा रही है विंटर सेशन में, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली बिल्कुल। आप और जो है जमाखोर और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और प्राइवेट कंपनीज को जो है मजबूत करने जा रहे हो, वो एक अलग, और एक दो मसला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विंटर सेशन जो हमारा इतना हंगामेदार सब होने, उसमें यूपी इलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी तय हो सकती है? यूपी इलेक्शन के लिए अब वो चार राज्य का जो डिवीजन है उसको लेकर के हंगामा होगा, और दूसरा यूपी इलेक्शन को लेकर के जो चाल कांग्रेस ने चली है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से किया जा रहा है कि मायावती के ऊपर जो है कानूनी शिकंजा, भ्रष्टाचार का, मनरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर जो है सरकार के मंत्री, केंद्र के मंत्री ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, तो ये इंक्वायरी तेज भी होगी। किस किस चीज की सीबीआई इंक्वायरी? ये इंक्वायरी इंक्वायरी जो है वो तेज भी होगी, और इसमें जो है जल्दी से जो है वो ये भी दिया जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ये एक अलग मसला है, तो ये भी जो है पार्लियामेंट के अंदर उठेगा। बहुत सारी कांग्रेस पार्टी जो है अगले सेशन में उस चारों तरफ से घिरी हुई होगी, प्लस उनका अपना एजेंडा है किस तरीके से वो उन पॉलिसीज को लाएं कि ताकि लोगों का जो विश्वास जो है वो बढ़े। एक और मसला जो लेफ्ट उठाएगी, बीजेपी उठाएगी, वो है वो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, जिसके ऊपर हमने जो है सब कुछ अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। सही कहा, हमने सब कुछ जो है सरेंडर हमने कर दिया, तो ये भी एक मुद्दा उठेगा जिसके ऊपर जो है बहुत हंगामा होगा। तो अखबार वालों और न्यूज
चैनलों के पास जो है काफी मसाला मिलने हाँ, वाला खबरों की कमी नहीं होगी, लेकिन देखना सतर्क इस बात के लिए रहना पड़ेगा कि ये जी। किस मोड़ पे जो है इस डिबेट को लेकर के जाते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू सपोर्ट दीज मूव्स सरकार के साथ जो है इन पॉलिसीज के साथ अपने आप को जो है खड़ा पाती है, या फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑनेस्ट एनालिसिस करे कि जो देश जिस देश में यह हमेशा नहीं हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि हम लोग अपने कार्यक्रम को इंटरनेट पर करते हैं, थोड़े से वेल ऑफ हैं, बट किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को सोशल इवेंट को जब भी हम सोचते हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं, हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये देश वैसे लोगों का देश है जहाँ पे 75-80% लोग दिन में $2 भी नहीं कमा पाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उस देश में अगर हम ख्याली पुलाव बनाएं, हम जो हवाई किले बनाएं कि ऐसे विकास हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वाकई में आपने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी और मुझे आज भी बड़ी इम्प्रेसिव वो बात लगी थी कि ऐसी कमरों में बैठकर आप उद्धार नहीं कर सकते। आप जितनी प्लानिंग्स कर रहे हैं आप ऐसी कमरों में बैठ के कर रहे हैं। आप एक आम जनता, जैसे आपने कहा कि आज भी जो जनता है वो $2 नहीं कमा पाती, ये वही चीज़ें हैं, वही अगर उनके लिए आप एक बार दर्दमंदी से सोचें, लेकिन तभी सोचेंगे जब आपका अपना पेट खाली होगा। आप तभी सोचेंगे जब आप उस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे। जो लोग उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उन सब के पेट भरे हुए हैं। खाली पेट को वही समझ सकता है जिसका अपना पेट खाली हो। नहीं, लेकिन, ये देखिए, लेकिन गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के पास तो ये विजन होना चाहिए कि भाई उस किस ग्राउंड पे खड़ी है। और गवर्नमेंट विजन नहीं है, विजन इसलिए नहीं है, आम जनता की परेशानी नजर ही नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से जो सबसे बड़े जो गवर्नमेंट जिसको सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट मानती है, जिसे प्लानिंग कमीशन का जो सर्वसर्वा बना दिया, वो व्यक्ति कोर्ट में ये हलफनामा दे कि 32 रुपए से जो है ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति बिल्कुल वो गरीब नहीं है, और 26 रुपए जो कमाता है गाँव में वो गरीब नहीं है। आपने गरीबी रेखा के जो पूरा जो है डेफिनेशन ही आपने ऐसा कर दिया कि जैसा कि कोई आदमी उससे तो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। सर्वाइव भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये एक इशू है। दूसरा एक बात और है, पता नहीं अब इसे उठाएं या विपक्ष वाले या नहीं उठाएं, जो UID का मामला है। चौथी दुनिया बहुत दिनों से UID के ऊपर जो है हम लोग स्टोरी करते आ रहे हैं कि ये कार्ड जो है बिल्कुल खतरनाक है। ये कार्ड जो है बराबर प्रिंट पर ही अपनी स्टोरी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि UID का के खतरनाक है लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, क्यों खतरनाक है ये थोड़ा सा बताते चलें। तो आप बहुत प्रिंट में तो कर ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में भी हमारे देखने वाले प्रोग्राम बहुत सारे लोग हैं जी। देखिए, कल चिदंबरम ने कहा कि भाई जो डाटा UID से जुड़ा हुआ जो डाटा होगा वो सेफ नहीं है। एक साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी UID के ऊपर कि किस तरीके से आपने प्राइवेट प्लेयर्स के जिम्मे इतना इंपॉर्टेंट काम दे दिया और किस तरीके से कंट्राडिक्शन जो है पूरे सिस्टम में खड़ा हो रहा है। पहली बात, ये कार्ड बनाएगा कौन? तो उसके लिए आपने एक अथॉरिटी बना दी, 60,000 करोड़ का बजट दे दिया जो धीरे धीरे खर्च हो रहा है। 60,000 करोड़ रुपए किसके जा रहे हैं? हमारे आपके जा रहे हैं। क्या आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? पब्लिक मनी को आप इस तरह से कैसे आप बिना डिस्कशन बिना राय के आप वेस्ट कर सकते हो? आपने चेयरमैन किसको बनाया? तो नीले कानी को बनाया। क्यों बनाया? आपके दोस्त हैं इसलिए बना दिया, राजनीतिक परिवार से उनकी दोस्ती है, नजदीकी है, इसलिए आपने बना दिया। इस देश में नेपोटिज्म चल रहा है क्या? भाई भतीजावाद चल रहा है क्या? या फिर कोई स्पॉइल सिस्टम आपने लगा दिया इस देश के अंदर में अमेरिका की तरह? आपके पास ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, उसको आई कार्ड बनाने के लिए अलग कमिश्नर है। अब आप जो है सरकारी धन से
सारा काम कर रहे हो, लेकिन ये डाटा, लोगों के आई कार्ड कौन बनाएगा? प्राइवेट कंपनीज, वो भी किसको? एनजीओस को आपने दे दिया, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया, कहीं कहीं जैसा मैंने जो सामने आ गया उसको आपने बांट दिया, भाई तुम उस इलाके में आप लोगों के सैंपल्स। और ये कार्ड क्या है? यूआईडी, ये बायोमेट्रिक्स पे आधारित है, हाँ। आपके रेटिना और फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। अभी तक ये होता था कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री में, खासतौर पे अमेरिका और लंदन, ये यूके जाया करते हैं, तो तब हम अपना ये बायोमेट्रिक्स का ये होता है हमारा, और इसमें हम अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। अभी तक तो नॉर्मली ये हुआ करता था, अब ये जो यूआईडी कार्ड में, अब पहली बार ये आम जनता को जो क्या ये बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हुआ है, तो इससे मेरा ख्याल है लोग तो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है पूरी तरीके से। वो जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक बात और डॉक्टर मनीष, हाँ। एक बार बीच माफ कीजिए आपकी बात बीच में काट रही हूँ, कि जो बेचारे गरीब तबके के बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो इस कार्ड के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, वो ज्यादा परेशान, वो क्योंकि अखबारों को जो है, अखबारों में प्रायोजित खबरें छापी जा रही हैं, इसके गुणों को बताया जा रहा है, टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो है वो ऐड दिए जा रहे हैं, एनजीओस का पूरा जो है दल खड़ा किया जा रहा है कि ये भ्रम समाज में फैलाए कि भाई ये जो है, बीच में महाराष्ट्र की सरकार ने कह दिया कि भाई ये वैलिड आई कार्ड नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। क्या आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया? आई कार्ड जो बनाने का जो मेन जो काम जो है, जो आई कार्ड जो उससे जुड़े जो, क्योंकि ये पूरा डिजिटलाइज्ड आइडेंटिटी कार्ड है, जिससे हमारे कंप्यूटर्स में जो है इंफॉर्मेशन होते हैं, उस तरह से इसका भी इंफॉर्मेशन कहीं रिस्टोर होगा, इसलिए ताकि आप कहीं भी दुनिया देश में कहीं भी जाएं, किसी भी मशीन पे आप उंगली रखें तो वो आपके आइडेंटिटी को जो है वो सही सही बता दे। ये किसके हाथ में है? तो दो तीन कंपनियां हैं, एक कंपनी, आज वक्त कम है, एक कंपनी का उदाहरण मैं देता हूं, इसका नाम है L1 आइडेंटिटी सॉल्यूशन। इस कंपनी के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो सारे लोग हैं जो XCIA और मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के हैं। अब सरकार को तो मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, क्या हम CIA के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, एक्स सिक्योरिटी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। इस तरह के का स्कीम इंग्लैंड में शुरू हुआ। मजेदार बात मैं बताता हूं, किसी कहानी संक्षिप्त में मैं किसी और दिन जो है इस पे पूरा पूरी पूरी बात बताऊंगा। एक सबसे मजेदार घटना मैं बता देता हूं कि जब ये UID का प्रपोजल जब बना तो नीलकानी साहब ने जो है एक एग्जाम्पल दिया कि भाई ये बहुत अच्छा काम हो रहा है अमेरिका इंग्लैंड के अंदर में, वहाँ UID बनाया जा रहा है, इस तरह से बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल रिवोल्यूशनरी होगा, ये होगा वो होगा, अपने उन्होंने फिर उसके बाद जो है 15 पेज का एक और ये दिया कि भाई क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये वो, और इंग्लैंड का पूरा जो है किस तरह से वहाँ काम कर रहा है वो सब कुछ उन्होंने दिया। ये आ गया, प्रपोजल पास हो गया, पहला वाला जो पेपर है वो सरकार के पास से गायब है, वो कहीं नहीं है, वो गायब कर दिया गया, आप नेट पर ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा, UID अथॉरिटी से मांगिए नहीं मिलेगा, वो गायब है। तो ये जो दूसरा बचा हुआ है जिसको मेन आधार माना जा रहा है कि भाई इसी से जो है इसकी शुरुआत हुई, उसमें आपने इंग्लैंड की खूब तारीफ की कि भाई इंग्लैंड में सरकार ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, हमको भी करना चाहिए, ठीक भाई करो। मालूम चला इंग्लैंड में उन लोगों ने बंद कर दिया, पार्लियामेंट में वहां पे जो है वो बहस हुई और वहां पे लोग जो निष्कर्ष निकला कि भाई ये खतरनाक है, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल। सही बात, ये सारा जो डाटा है, सारा जो चीज जो है वो कहीं और चला जाएगा, किसी और के जो एक्सेस कर सकता है, इट इज नॉट सेफ। अब मनमोहन सिंह साहब के दोस्त अगर हैं नीलकानी जी, या फिर कांग्रेस के हाईकमान या बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनकी दोस्ती अगर है तब तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आम जनता होने के नाते, आम इंसान बने सिटीजन होने के नाते ये सवाल पूछा ही जा सकता है कि जिस आधार पे आपने इस योजना को की शुरुआत की, वो आधार ही अगर खत्म हो गया तो इस आधार कार्ड का क्या करेंगे?
अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ वहां के इंग्लैंड में सिक्योरिटी रीजन से उसको बंद कर दिया गया। दो चार सवाल है, नेट पे आप लोग बैठते हैं, आप लोगों को भी ढूंढना चाहिए कि क्या दुनिया में किसी भी देश में इतने लार्ज स्केल में, फॉरगेट अबाउट तो हिंदुस्तान में इतना पॉपुलेशन है, कोई मिडिल साइज का भी कोई देश इस तरह के आइडेंटी कार्ड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या परियोजना है। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि ये, अच्छा दूसरी बात, आपको एक जगह सारे डाटा वगैरह क्यों चाहिए, इसका क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसके बारे में आपने रिसर्च किया, क्या आपने ये रिसर्च किया कि इस तरह के आई कार्ड को लेकर के जो है जर्मनी में हिटलर ने इसी तरह के कार्ड के इस्तेमाल से और आईबीएम से सारा डाटा लेकर के ज्यूस को जो है कत्लेआम कर दिया था। वहां की कहानी भी यही थी कि आईबीएम कंपनी, यही आईबीएम कंपनी इन लोगों ने वहां के लोगों के लिए आई कार्ड बनाए। हाँ, इसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना, सब डाल दीजिए खटखट सबका आ जाएगा आइडेंटिफाई करना, और वो सारा डाटा ज्यूस कहाँ रह रहे हैं, कौन है, हिटलर ने आईबीएम कंपनी से ज्यूस का पूरी लिस्ट ले ली, घर में जा करके जो है लोगों को मारा गया। क्या हिंदुस्तान में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है डॉक्टर मनीष? क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए कि कौन जानता है कि आगे आने वाले वक्त में इस मुल्क की बागडोर किनके हाथों में होगी, और अगर कुछ ऐसे तो पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में कम्युनिटी के लोग भी मारे जा सकते तो हैं। पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह साहब को और नंदन नीलकारी साहब से यह सवाल पूछना चाहिए कि विल दे गिव दिस गारंटी कि कल कोई हिंदुस्तान में हिटलर जैसा आदमी जो है सत्ता पे काबिज नहीं होगा, और हो भी गया तो इस कार्ड का, इस डाटा का इस्तेमाल जो है गलत चीजों के लिए ना करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो खत्म करते हैं अपना ये प्रोग्राम, कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।